1100 दिन बाद इंतजार हुआ खत्म, रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, इस दिग्गज के रिकॉर्ड की बराबरी। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। रोहित शर्मा ने इंदौर में अपने वनडे करियर का 30वां शतक जड़ दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 30 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोहित ने शानदार शुरुआत की और इस मुकाबले में कभी भी गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सुमन गिल के साथ मिलकर टीम को पहले 10 ओवर में ही 80 के पार पहुंचा दिया था। रोहित ने अपनी पारी में 9 चौके और 6 छक्के लगाए। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉम लैथम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दी और 10 ओवर में ही टीम को 82 के स्कोर पर पहुंचा दिया। सुमन गिल ने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया तो रोहित ने 41वीं गेंद पर अपना 50 पूरा किया। रोहित ने इसके बाद भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 83 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। रोहित के ये वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 82 गेंद में अपना शतक पूरा किया था। रोहित के इस महान शतक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।